आज इस वीडियो में हम DDT के बारे में डिस्कस करेंगे कि DDT लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले DDT को लेबोरेटरी में ऑस्मर जिडलर ने 1874 में सिंथेसाइज किया और उसने क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कर इसे सिंथेसाइज किया। DDT इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसका केमिकल नेम है पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। हाउ टू प्रिपेयर? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन DDT इज फॉर्म्ड। क्लोरल Cl क्लोरल, मैं ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ इसका ताकि समझ में आ जाए, प्लस दो क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरल ये टू मॉलिक्यूल्स क्लोरल वन मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के टू मॉलिक्यूल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें से दो हाइड्रोजन और ये निकल जाते हैं और DDT प्राप्त होता है। ये है आपका सेम सॉरी This is DDT. DDT. सबसे पहले 1874 में ऑस्मर जिडलर ने इसे सिंथेसाइज किया। DDT इस तरह से लैब में बनाया जाता है, लेकिन पॉल हरमन मुलर जो स्वीडन के थे 1939 में उन्होंने DDT को इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ के रूप में डिस्कस किया, यानी इसकी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ की खोज की। इसलिए उन्हें 1948 में फिर नोबेल प्राइज दिया गया। 1950 में इसे बैन किया गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसे टाइफाइड और मलेरिया फीवर के लिए सैनिकों और पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में जब उसे 19 मालूम पड़ा कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता है और बॉडी के फैटी टिश्यू में ये स्टोर हो जाता है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में,
क्योंकि इंसेक्टिसाइड है, इस वजह से 1950 में इसे बैन कर दिया गया। देखा जाए इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न इंसेक्टिसाइड इन द वर्ल्ड। डीडीटी का अभी भी इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, फसलों में बहुत लोग लगाते हैं, घरों में स्प्रे किया जाता है और बहुत सारे इंसेक्ट